ऑप्शन मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो इस तरीके के ये वॉल माउंटेड ब्रैकेट्स होते हैं। ये एक मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के दो आते हैं, एक इधर लगेगा और एक दूसरी तरफ लगता है, और यहाँ पर इसमें हम माइक्रोवेव को रख देते हैं। ये इसमें यहाँ पे हमें ड्रिल करना पड़ता है, तो आप अगर ड्रिल मशीन खुद चलाना जानते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी से करवा सकते हैं। और ये एडजस्टेबल होता है यहाँ से, इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये लॉक दे रखा है। ये ओपन करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं और इसे छोटा भी कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ से इसे टाइट कर दीजिए, इसे टाइट करेंगे उस हिसाब से इसका साइज सेट हो जाता है। तो आपके पास में अगर छोटा माइक्रोवेव है, बड़ा है, जो भी साइज का आपका माइक्रोवेव आप लेना चाहते हैं, हर एक तरीके के माइक्रोवेव के ऊपर ये फिट रहता है। ये देखिए इस तरीके के ये लोहे के एंगल्स आते हैं, ये दीवार में ऐसे फिट हो जाते हैं और इसके ऊपर आप अपने माइक्रोवेव को रख सकते हैं। एल ब्रैकेट्स आते हैं, जैसे ये बहुत बड़ा वाला है, ये तो बहुत बड़ा वाला है, उसी तरीके से छोटे छोटे एल ब्रैकेट्स आते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए, वो हमें किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाते हैं। तो आप हार्डवेयर की शॉप से एल ब्रैकेट्स ले लीजिए, वो काफी ज्यादा सस्ते ही आते हैं और बहुत मजबूत भी रहते हैं। और कारपेंटर की जो दुकान होती है उनके पास में पुराने टुकड़े वगैरह पड़े रहते हैं, तो उनसे साइज का मेजरमेंट लेके और उनसे वैसा एक कट करवा के ले लीजिए और उन्हीं से लगवा लीजिए। ये आपको काफी ज्यादा एफोर्डेबल और सस्ता पड़ेगा और देखने में भी अच्छा लगता है, वर्टिकल स्पेस, वॉल स्पेस यूज हो जाता है। मुझे जहां तक लगता है आप 200-300 रुपीज में इसे आसानी से लगा सकते हैं, और अगर आपके पास में ड्रिल मशीन है तो आप खुद भी उसे लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल और अच्छा दिखने वाला ऑप्शन हमारे पास में है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों लकड़ी का पाटा, मैं हिंदी में उसे लकड़ी का पाटा ही बोलते हैं। इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म होता है लकड़ी का, नीचे से उसमें पैर होते हैं, तो उस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें परचेज करने जाएंगे तो वो थोड़े कॉस्टली पड़ जाएंगे। तो बेटर है कि आप जो नॉर्मली लकड़ी वगैरह वालों की या टेबल कुर्सी की जो दुकानें होती हैं उन पे वो लकड़ी के पाटे जो ट्रेडिशन वाले होते हैं वो ले लीजिए, उनको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं और उसे उसके ऊपर आप माइक्रोवेव रख सकते हैं। उसके नीचे का जो स्पेस होता है उसमें आप अपनी मसालेदानी का डब्बा जो होता है हमारा मसालेदानी ट्रेडिशनल वाला, वो चकला वगैरह उसके नीचे आप रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप नीचे का स्पेस और ऊपर का स्पेस दोनों यूज कर पाएंगे। उसे इंग्लिश में शायद हम वुडन स्ट्रैप बोल सकते हैं। तो उस तरीके का आप एक ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। बाजार से रेडीमेड लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, 700-600 तक का वो आपको मिलेगा। आयरन में भी मिलता है, वो लोहे का भी मिलता है, इस तरीके का ब्लैक कलर का भी मिलता है। और अगर आप लकड़ी का ऐसा ट्रेडिशनली कहीं से ले लेंगे ना तो वो आपको 100-200 रुपए के अंदर मिल जाएगा, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उससे नीचे भी आपको प्लेटफॉर्म के नीचे भी स्पेस मिल जाएगा और ऊपर भी आप उसमें माइक्रोवेव को रख सकते हैं। देखिए मार्केट में ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे तो बहुत तरह तरह के माइक्रोवेव के स्टैंड मिलते हैं जिनमें की 2 टायर 3 टायर तक भी मिलते हैं। अगर आपके पास में वर्टिकल स्पेस है तो आप 2 टायर 3 टायर वाला ले लीजिए, ताकि आप ऊपर उसमें अलग अलग चीजें भी रख सकें, माइक्रोवेव से रिलेटेड आप कप्स मग्स जो आप यूज करते हैं वो क्रॉकरी आप उसमें रख सकते हैं। और वो जो होते हैं एक कॉस्टली और थोड़ा सा महंगा लगता है हम लोगों को नॉर्मली लेने के लिए, क्योंकि वो 2-3 हजार तक जाते हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे। अगर आप देखिए लाइट हल्की क्वालिटी का लेंगे तो वो उतना अच्छा चलेगा नहीं, तो इससे बेटर है अगर आप लेंगे तो अच्छी क्वालिटी का लीजिए, तो वो आपके ज्यादा पैसे उसमें लग जाने वाले हैं। ऑर्गेनाइजर्स तो बहुत तरह तरीके के हैं, कुछ मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और उन्हें आप ले सकते हैं, और जितना पैसा आप डालेंगे उस हिसाब से आपको आपके लिए अलग से एक स्टैंड मिल जाएगा। मैंने आपको कुछ ऑल्टरनेटिव बताए हैं जिनसे आप थोड़े कम पैसों के अंदर एफोर्डेबल अपना माइक्रोवेव स्टैंड बना सकते हैं और अपना माइक्रोवेव ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं।